मेरे इनिशियल डेज में जब मैं इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था तब मैंने उसके साथ काम किया था. शी वॉज ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव एन इमोशनल गर्ल. जो भी हुआ वो गलत हुआ, भगवान उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे. उमरगांव में हमने साथ में शूट किया है 3 महीने के लिए और हम वहीं पर रहते थे. वो मेरी बॉयफ्रेंड से भी क्लोज थी. आशु भी हमेशा घर पर आके बोलता था यार जैसे तू निशा रोती है ना, मैंने किसी को नहीं देखा. हमने आई थिंक मेरे इनिशियल डेज में जब मैं इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था तब मैंने उसके साथ काम किया था. हमारे काफ़ी म्यूचुअल फ्रेंड्स भी है और शी वॉज ऑलवेज अ वेरी सेंसिटिव एन इमोशनल गर्ल. एंड आई फील दैट जो भी हुआ वो गलत हुआ बट इट कांट बी चेंज्ड. एंड आई रियली फील सैड फॉर हर फैमिली ऑल्सो. और मैं चाहूँगी कि भगवान उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ दे कि वो यू नो इस सब चीज़ से ओवरकम कर पाए, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट आई होप दे डू इट. जैसे कि आपने बोला कि तुनिशा के साथ आपने काम किया है, कहाँ काम किया आपने और कितने टाइम आपने काम किया है और किस तरीके से आपके बॉन्डिंग बन गई थी? मैं वहाँ पे हम उमरगांव में हमने साथ में शूट किया है 3 महीने के लिए और हम वहीं पर रहते थे और एक ही बिल्डिंग थी जिसमें सबको फ्लैट्स अलॉट किए गए थे. तो समटाइम आई यूज़ टू विज़िट हर एंड सेट पे तो हम साथ में रहते ही थे. तो थोड़े आई थिंक मैं अभी उससे कुछ 7-8 महीने पहले मिली थी एक पार्टी में. वी स्पोक अलॉट, वी सैट टुगेदर, बट थिंग्स जस्ट डिड नॉट टर्न द राइट वे फॉर हर एंड इट्स अ वेरी सैड न्यूज. वो एक्ट्रेस बहुत खूबसूरत थी, साथ ही साथ जिस तरीके से उनकी अदा थी, जिस तरीके से वो ये क्या बोलते हैं अपना रोल निभाती थी, जिस तरीके से वो हर एक कैरेक्टर में बखूबी उन्होंने निभाया है, ऑडियंस से उनको काफ़ी प्यार मिला है. जानना चाहूँगी कि उनकी फैमिली जो है, उनकी माँ उनके साथ रहती थी, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी और उनसे जुड़ी और कुछ यादें अगर आप शेयर करें. वो मेरी बॉयफ्रेंड से भी क्लोज थी क्योंकि उसने अभी उससे उसके साथ भी शो किया था इश्क सुभान अल्लाह में, वो लोग साथ में थे तो दे वर वेरी क्लोज. एक्टिंग तो शी वॉज अ वेरी गुड एक्ट्रेस एंड ये आशु भी हमेशा घर पर आके बोलता था यार जैसे तुनिशा रोती है ना, मैंने किसी को नहीं देखा ऑन स्क्रीन रोते हुए. शी इज़ सो कन्विंसिंग. सो शी वॉज वेरी प्रिटी गर्ल एंड आई फील दैट वॉट एवर हैपेंड इज नॉट गुड, बट अब जो हो गया उसे तो चेंज नहीं किया जा सकता. बट डेफिनेटली लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि गाइज वेन एवर यू फील लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट, आई नो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी डार्क प्लेस, बट यू नीड टू टॉक अबाउट इट टू योर फ्रेंड्स, से टू योर फैमिली. अगर वहाँ पे नहीं, अगर आपको लगता है कि आपको और हेल्प की ज़रूरत है तो बेझिझक आप जाइए डॉक्टर के पास. कोई शर्म नहीं है इसमें, आपको जाके ट्रीटमेंट करवानी है अपनी, तो आप प्लीज़ बेझिझक कराओ. क्योंकि पहले के ज़माने में ना लोग बहुत रिजर्व्ड रहते थे कि ये मेंटल इश्यूज़ है, पर ये दूसरी बीमारियों की तरह ही है जिसको आप क्योर कर सकते हो. और जो और हमारे जो साथ रहते हैं उनके प्यार से और एक्सटर्नल हेल्प से ये सब ठीक हो किया जा सकता है. सो यस. आखिरी बात आपकी उनसे कब हुई थी या फिर क्या बोलना चाहेंगे कि इस हद तक वो क्यों चली गई? आखिरी बात मेरी वही 7-8 महीने पहले हुई थी एंड शी इवन कॉल्ड मी वंस बीच में एंड वही रैंडम टॉक्स चल रही थी, बहुत सालों बाद मिले, कैसा चल रहा है, क्या. वी स्पोक अ लॉट, आई थिंक वी स्पोक फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, बट like she's gone now and I hope she rests in peace. Thank you.